वेलकम टू माय चैनल पर्पस स्वीट हार्ट लव इज लव का पार्ट 18 है। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कुकी प्लीज देखो मेरी बात सुनो, मेरे से मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, समझी? तुम पैसे तुम नहीं जा सकती, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मैं कैसे ट्रस्ट करूँ आप पर, बोलिए ये सारी न्यूज और आपका अब वो साइन किया पेपर, ये सब कुछ सामने है, इसके बावजूद मैं आप पर यकीन करूँ? देखो वो सब कुछ उस सैम ने सब अपने प्लान से किया है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, समझी? आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर की, छोड़िए मुझे। आह मिस्टर की बाप मुझे हर्ट कर चली जाती है। तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना करो, मुझे लगा था कि शायद तुम करोगे, लेकिन तुम ही मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे, मैं कैसे साबित करूं? सब कुछ भी नहीं किया। कुकी कुकी बेटा कहाँ हो तुम? डैड आप यहाँ, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ डैड मैं ठीक हूँ, पर आप तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मेरी बेटी को किसी को कैसे बेच सकते हो? हाउ डेयर यू। देखिए पापा प्लीज मेरी बात का यकीन करिए, वो न्यूज सारी झूठी है, आप झूठी न्यूज पर बिलीव मत करिए। न्यूज झूठी है पर न्यूज में तुम्हारे साइन किया हुआ पेपर बताया जा रहा है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? देखिए मिस्टर जॉन, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, वो सच कह रहा है। मिसेस किम, मैंने आप पर भरोसा करके अपनी कुकी का हाथ आपके बेटे को दिया था, लेकिन ये सब कुछ, डैड प्लीज आप शांत हो जाइए। मिस्टर किम ने सब कुछ भी नहीं किया, मुझे उन पर भरोसा है, ये सब कुछ उस मिस्टर सैम की चाल है और ये मिस्टर किम साबित कर रहेंगे, क्यों है ना मिस्टर किम? हाँ हाँ कुकी सही कह रही है, आप मेरा भरोसा करिए पापा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई होप कि सब ठीक हो जाए, वरना मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी को नहीं देने दूंगा। पापा पापा आप मेरी बात सुनिए, अभी आप घर जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ और मुझे मिस्टर किम पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है कुकी, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ और मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। क्या थैंक्स कुकी मुझ पर भरोसा करने के लिए, मैंने कहा मुझे आप पर भरोसा है, वो तो मेरे पापा के सामने कहा, वरना मुझे तो आप पर रद्दी भर का भी विश्वास नहीं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मतलब? देखो देखो किम, मैं इसमें तुम्हारी ढंग से बात नहीं हो पाई, इसलिए सोचा कि यहाँ आकर तुमसे बात करूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम निकल जाओ यहाँ से, तमीज से बात करो, तुम जानती भी हो अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, सो मुझसे तमीज से बात करो। मालिक माई फुट, वो तुम अपने पास से रखो, तुम मेरे कोई मालिक नहीं हो। अच्छा तो ठीक है, मेरा क्या है, मेरे से दोनों तरफ से फायदा है, एक तुम मेरे साथ भले ही नहीं आओ पर उसके बाद तो किम मेंशन, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे हस्बैंड का किम बिजनेस, किम इंडस्ट्री मेरी हो जाएंगी, फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें तो सड़क पर रहना होगा ना, तुम कहाँ जाओगे? खैर तुम्हारा तो छोड़ दो, पर उस बेचारे का क्या जिसने इतने कम समय में उसका बिजनेस बनाया है? तुम तो जानती हो मेरे भाई ने ऑलरेडी उससे उसकी गर्लफ्रेंड छीनकर उसे पहले ही बर्बाद कर दिया था, और अब मैं उससे उसका बिजनेस और घर छीनकर उसे बर्बाद कर दूंगा। खैर ये सब तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चाहती हो, अपने पति को बर्बाद होते हुए देखना या फिर खुद की लाइफ को बचाना? तुम चाहते क्या हो? चाहता क्या हो मतलब, ऑब्वियसली तुम्हें चाहता हूँ, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? देखो मैंने बहुत सी लड़कियाँ देखी है, लेकिन तुम जैसे लड़की को पहली बार देखा,
जैसे मुझे चाहिए तुम वैसी हो। व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो आजकल की लड़कियों को तो तुम देखती हो सेक्सी, हॉट एंड मॉडल, पर तुम में कुछ अलग बात है। और जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, मैं तुमसे प्यार कर बैठा था, प्यार, और तुमने तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं की थी। हाँ ये तो मेरा तरीका है। खैर तुम्हारा हस्बैंड भी तुमसे कौन से ढंग से बात करता है मुझे सब पता है। इनफैक्ट तुम्हारी तो फर्स्ट नाइट भी नहीं हुई है, ये तुम कैसे जानते हो? हाँ मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन और तुम्हारे पति की इन्फॉर्मेशन, मैं से कुछ नहीं छुप सकता। आई एम सैम, मैं सैम हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता। बकवास बंद करो और निकल जाओ ऐसे, मैं तुम्हारे कोई बातों में नहीं आने वाली। ओके तो मैं जाता हूँ, फिर रेडी रहना अपने पति को बर्बाद होते हुए देखने के लिए। बिकॉज की कल सुबह की मेंशन भी मेरा होगा और की इंडस्ट्री भी मेरी, समझी तुम? और फिर उसके बाद उस बेचारी की जो भी हालत होगी ना, वो सिर्फ तुम्हारे वजह से होंगी उस बेचारी की हालत। देखो प्लीज तुम किम इंडस्ट्री और किम मेंशन को छोड़ दो, भला मिस्टर किम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने तो बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरा और मेरे भाई का। जो अवार्ड्स हमें मिलते आ रहे थे और वो उसे मिल रहे हैं। बिजनेस में सबसे बड़ा नाम काई इंडस्ट्री का था, लेकिन उसकी वजह से आज बिजनेस इंडस्ट्री में सिर्फ किम इंडस्ट्री का नाम है, तो मैं तो उसे कैसे छोड़ दूँ? देखो तुम जो चाहते हो तुम वो कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ तुम मिस्टर किम को हार्म मत करो, आई मीन कि उनकी इंडस्ट्री और उनका मेंशन मत उनसे छीनो। तो फिर ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सो रेडी रहना, कल तुम मेरे साथ आ रही हो और अब से मैं तुम्हारा ओनर हूँ, समझी? श्याम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मैं मिस्टर किम को कुछ नहीं होने दूँगी, मैं उनकी इंडस्ट्री को बर्बाद होते नहीं देख सकती, भले ही इसके लिए मुझे खुद को उस श्याम को सेव क्यों ना करना पड़े। जो भी हो मिस्टर किम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने मुझे उस काई से भी बचाया था, और शादी के वक्त जब हमें पैसे की ज़रूरत थी उसमें भी हमारी हेल्प की थी, और अब जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं पीछे नहीं हट सकती। क्योंकि कुछ भी करो और उस सैम के बारे में पता लगाओ कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर धोखे से साइन करवाए थे, इसमें मेरी कोई भी मर्जी नहीं है। पर तेयम इस सब के लिए मुझे थोड़ा टाइम दो। थोड़ा टाइम दो मतलब उसने हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा और मैं नहीं चाहता कि वो सैम कुछ भी करे। देखो तेयम मैंने कोशिश की है लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट कि आगे कुछ हो पाएगा। मिस्टर किम आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम देखो कुकी मेरी बात सुनो, मैं वैसे भी आपके साथ रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, और आपने तो बहुत अच्छा काम किया है मुझे मिस्टर सैम के साथ पास सेल करके, थैंक यू सो मच। व्हाट, क्या बकवास कर रही हो तुम? तेयम देखो शांत हो जाओ, यूंगी प्लीज अभी हम दोनों की बात है, तुम जाओ यहाँ से। और तेयम की बात सुनकर यूंगी यहाँ से चला जाता है। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। वैसे भी जो पैसा, जो लग्जरियस मुझे लाइफ मिल सकती है वो मिस्टर सैम के पास, आपके पास नहीं। वैसे भी आप जैसे रूड पर्सन के साथ कौन रहना चाहेगा? तभी तो मिस रायन भी आपको छोड़कर चली गई थी। अपनी बकवास बंद करो, तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? यही आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे आपसे बस नफरत है। और अच्छा ही हुआ ना कि मिस्टर सैम को मैं पसंद तो हूँ, और इसी बहाने मैं उनके साथ हमेशा हमेशा के लंदन चली जाऊँगी, फिर आपकी लाइफ भी इजी और मेरी भी। कितना अच्छा होगा ना, आपकी लाइफ में खुश और मैं मेरी। तुम सच में ये चाहती हो? हाँ मैं चाहती हूँ, और आपका बिजनेस भी आपके पास रहेगा और आपका मेंशन भी, और इनफैक्ट मिस्टर सैम आपको 35% शेयर्स भी दे रहे हैं, सो आपका तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, सो इस बात की खुशी मनाइए। तुम बकवास बंद करो अपनी, मैं जानता हूँ तुम ये सब ऊपर के मन से कह रही हो, तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ मिस्टर सैम के साथ जाना, आपको इससे क्या? ओफो, वैसे भी मैं मिडिल क्लास लोगों से बात नहीं करती हूँ, और अब तो मैं मिस्टर सैम के साथ जाने वाली हूँ क्योंकि लंदन के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो मैं जा रही हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है ना, ऐसे पैकिंग करने की ज़रूरत तो नहीं है, मिस्टर सैम मुझे ऑलरेडी अच्छे से अच्छे कपड़े दिला देंगे। खैर पर फिर भी
तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो समझी तुम, पर तुम कहीं नहीं जा रही हो। मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब वैसे भी ठीक करने की क्या बात है, मैं अपनी मर्जी से जाने वाली हूँ, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप भी अपनी लाइफ में खुश रहिए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरी मर्जी है इसीलिए मैं कर रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाने वाली हो समझी, और तुम्हें जाना क्यों है उस सैम के पास? और सुबह तक तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था, ऐसा क्या हुआ कि तुमने ये सब कुछ फैसला ले लिया? क्योंकि मिस्टर सैम मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे इतने अच्छे से बातें की, मुझे इतना प्यार से वो कह रहे थे ना, तो मेरा भी मन हुआ कि आप जैसे खड़ूस इंसान के साथ रहने से अच्छा मैं मिस्टर सैम के साथ रहूँ। बस बहुत हो गया, अब अपने मुँह से एक बार भी तुमने सैम का नाम लिया ना तो तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। क्या कर सकते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी अब कल तो मैं जा रही हूँ मिस्टर सैम के साथ, फिर उसके बाद आप पार्टी करना अपने बिस, और वैसे भी आपको तो 85% शेयर्स भी मिल रहे हैं ना, उसकी खुशी में आपकी जिमिना के साथ आप पार्टी करना। वैसे भी आपको जिमिना बड़ी पसंद है। अपनी बकवास बंद करो, देखो तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो, बस आप बोलते रहिए, आपसे कुछ नहीं। क्या चाहिए तुम्हें जिसके कारण तुम उसके पास जाना चाहती हो, बोलो मुझे। देखिए मिस्टर जी, मुझे छोड़िए, मुझे आपसे कोई आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ जस्ट लीव मी। मुझे जवाब दो, तुम्हें क्या चाहिए जिसके कारण तुम ये फैसला ले रही हो? मुझे प्यार चाहिए और कुछ नहीं, जो आपसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। वो प्यार शायद मुझे मिस्टर सैम दे पाएंगे पर आप नहीं। ओह तो तुम्हें प्यार चाहिए, तो ठीक है आज रात मैं तुम्हें प्यार देता हूँ, फिर उसके बाद बताना कि तुम्हें किसका प्यार ज्यादा चाहिए। ओके आर्मी, इस पार्ट को ये एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा, आपको पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और एक बात, कुछ आर्मी कमेंट करके बोल रही है कि उन्हें टॉप 10 शर्ट चाहिए, सो मैं अभी तो टॉप 10 शर्ट नहीं दे पाऊंगी, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हमारे चेते के बर्थडे पर ऑफ कोर्स 1 शर्ट दूंगी, सो तब तक के लिए वेट करना। ओके बाय।